रहीम आज का मौजू है इकबाल और तसवफ, मुआफ़िकत और मुखालफत की हदूद तसवफ सूफ़ी सूफ़ी अदन लिबास सूफ का लिबास पहनने वाला और सिद् को सफ़ा वाला और अब सुफ़ा का पैरो ये मुख्तलिफ़ मफाहिम हैं जो बयान किए गए हैं इस अतबार से त्वफ़ जो है तो वो एक इस्लामी अ बन जाता है इकबाल ने तसवफ की अली अकदार की ज़बरदस्त हमायत की है तसवफ की अली अकदार कलाम इकबाल में ख़ास तौर पर बाल जबरील के गज़लियात में हमें बार बार अपनी तरफ मुतव करती हैं तो इस अतबार से इकबाल तसवफ़ के हामी हैं हम ये भी कह सकते हैं कि जो इस्लामी त्वफ़ है इकबाल उसके हामी हैं उसका सबसे बड़ा वफ़ जो है उस तफ़ का वो है अखलास फिल अमल। इकबाल ने इसकी वजात भी की है कि अगर तसवफ़ से मुराद अखलास फिल अमल है तो ये तो इस्लाम की गायत है सूफ़ी जो होता है उसके लिए अकबाल ने इस्तलाहात भी इस्तेमाल की हैं कलंदर क़लस इस्तेमाल किया है दरवे कल्फ इस्तेमाल किया है फ़ीर कलाफ इस्तेमाल किया है और ये सारी कलाम अकबाल में मुसबत तौर पर इस्तेमाल हुई हैं फकीर. वैसे भी आपको पता है कि सादा ज़िंदगी जो है वो इस्लाम ने उसकी तलकिन की हुई है वैसे तो इस्लाम हमें ज़रूरियात और आसाइश की चीज़ों की इजाज़त देता है तयश की चीज़ों से मना करता है लेकिन फ़ख्र जो है उसमें आसाइश की चीज़ों को भी नज़रअंदाज़ किया जाता है असल मोहब्बत अल्लाह के साथ होती है और सर सामान के साथ मोहब्बत जो है तो वह नहीं होती तजकिया नफ्स तसवफ़ का अगर ये मफह लिया जाए तो इकबाल इसकी भी हमायत करते हैं तजकिया नफ़्स दिलो नगाह का मुसलमान होना दिलो नगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं तो इस अतबार से भी तसवफ़ की हमायत करते हैं और ये जो अला हैं फकीर और कलंदर और दरवेश आप ज़रा देखें कि कितने अली दर्जे के शेर अकबाल ने कहे हुए हैं मरद दरवेश का सरमाया है आज़ादी व मर्ग है किसी और की खातिर ये निसाब जरूसीम जरूसीम का निसाब किसी और की खातर है मरद दरवेश है वो तो आज़ाद होता है और अगर उसकी आज़ादी छिनती है तो वो मौत को तरजीह देगा लेकिन आज़ादी को कुर्बान नहीं करेगा और कहते हैं कि आज़ार खौफ हो लेकिन ज़ुबा हो दिल की रफ़ीक यही रहा है अजल से कलंदरों का तरीक़ आपका दिल आपकी ज़ुबान एक होने चाहिए ये नहीं है कि दिल में कुछ और है और खौफ़ की वजह से आप कोई और बात कर रहे हैं तो ये जो अकदार हैं तसव्वुफ़ की अलाम इकबाल न सिर्फ़ इन अख्तार की हमायत करते हैं बल्कि इनके बरदार हैं तो बुनियादी बात वो है अखलास फिल अमल। आप इबादत करते हैं अगर इबादत में अखलास का रंग है अगर तवज्जो आपकी अल्लाह की तरफ़ है तो ये एक ऐसा वस्फ है जो अगर तसवफ़ की अतला आप इस्तेमाल न भी करें तो इस्लाम की गायत है तो आप इस हवाले से उसे बयान कर देते हैं ये तो वो अमूर हैं वो अकदार हैं तसवफ़ की जिनकी इकबाल ने हमायत की है लेकिन इकबाल ने मुखालफत भी की है तसवफ़ की अब देखना यह है कि मुखालफत किस बिना, बिना पर करते हैं पहली बात जो हमें इकबाल की मुखालफत तसवफ़ की नज़र आती है वो ये है कि तसवफ आ, के लोग जो हैं सूफ़ी लोग जो हैं इन्होंने एक मुस्तिल खानकाई निज़ाम उसवार कर लिया जो मस्जिद के निज़ाम के मुतवाज़ी था या मद मुकाबल था शरीत की जगह तरीकत का जिन सूफिया की इकबाल ने हिमायत की हुई है तारीफ़ की हुई है वो सारे शरीत के पाबंद थे शरीत की पाबंदी जो है उससे अपने आप को मुस्तना करार देने वाला और तरीक़त के नाम पर शरीयत से इनराफ़ करने वाला जो है तो वह इकबाल के नज़दीक इस्लामी तसवफ़ का हामिल नहीं है बल्कि कोई और ही तसव्फ़ है जिसका वो हामिल होता है तो शरीयत की पासदारी शरीयत सिर्फ़ फ़िका ही के मानों में फ़िका शामिल है उसमें लेकिन शरीयत जो है तो मजमू जो इस्लामी निज़ाम है उसके लिए शेरियत का लफ्स इब्तदा है इन्हीं मानों में इस्तेमाल होता था रफ़्त रफ़्त वो सिर्फ़ फिका के मानों में इस्तेमाल होने लग पड़ा तो वो तसवफ़ जो शरीयत की मुखालफत करता है और वो खानक निज़ाम जो मस्जिद के निज़ाम के मस्जिद का एहतराम जो है वो अगर किसी खानका को मिलता है तो इकबाल उसके रवानी रखते ये मामले हैं नाजुक जो तेरी रज़ा हो तू कर कि मुझे तो खुश ना आया ये तरीके खानकाई मुसलमानों का असल तमदनी मरकज है वह खानक नहीं है वह मस्जिद है इस तसवफ जब एक खानकई निजाम में तब्दील होता है तो उस निजाम को इकबाल रवा नहीं रखते इकबाल, अंग्रेजी इकबाल जो हैं, सात खुतबे जो हैं द कंस्ट्रक्शन ऑफ रिलिजस इन इस्लाम उसका आखिरी सातवां खुतबा जो है उसका अनुवान है इज रिलिजन पॉसिबल उसमें इकबाल ने बात कही है कि न तो क्रून वस्ता का तस्वफ बल्कि यूँ है कि नाइदर द टेक्निक ऑफ मेडिवियल मिसटसज़म मतलब वो जो कुरून वस्ती का एक खानक निज़ाम है तसवफ़ का एक निज़ाम है कहते हैं कि आज की बीमार इंसानियत का इलाज नहीं है साथ दो बातों का और भी जिक्र किया है कि मुलहिदाना इश्तराकियत भी बीमार इंसानियत का इलाज नहीं है और फिर आगे नेशनलज़म का ज़िक्र करते हैं ये जो मगरबी तहजीब तमादन है जिसका एक नुमाया पहलू नेशनलज़म है और सरमादारी है माधप प्रस्तित जैसे इस में है वैसे वहाँ भी है तो ये बीमार इंसानियत का इलाज नहीं है और इस्लाम की तरफ तोजो दिलाते हैं कि जो साइंसी तरक्की है और जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हैं इनका बोझ अगर उठा सकता है तो इस्लाम उठा सकता है वरना कोई दूसरा जो मुरवजा निज़ाम है इस वक्त वो आ, उस बल बोते पर इंसानियत का तहफ़ नहीं किया जा सकता इंसानियत की आलाकदार को महफूज नहीं रखा जा सकता समायददारी निज़ाम का नतीजा भी बिलाकर क्या निकला है मशीनों की हुकूमत और मशीनों की हुकूमत एहसास मुरवत को कुचलती है है दिल के लिए मौत मशीनों की हुकूमत एहसास मुरत को कुचल देते हैं आलात अच्छा इसके अलावा तस्व की जिस चीज़ की इकबाल मुखालफत करते हैं वो बातनी मफहम है रम्स बातनी मफहम कुराने हकीम की मुहकमात का भी कुछ और ही मतलब वो निकाल लेते हैं कोई चीज़ जो है तो वो सबत नहीं रहती एक आयत है उसका एक मफहम है और वो कुछ और बीच में से कोई मफहम निकाल लेंगे तो गोया हकीकत खुराफात में खो गई वाली बात आ जाती है तो जब आप कोई बातनी मफहम निकालते हैं और बातमी मफहम निकालने वाला जो उसके पास सन्त भी कोई नहीं होती है कुरान क़ीम का मफोम तो मुतन करने के लिए आप एक आयत का मफोम मुतिन करते हैं तो दूसरे आयात से मदद लेते हैं या मुतबर मुस्ंद अदी से मदद लेते हैं ये तो नहीं है कि अपनी मर्जी से आप बात में मफहम बयान करते हैं यह हुआ है ये हुआ है और उसकी वजह से हकीक़त खुराफात में खोई है एक उसकी मुखालफत करते हैं अच्छा फिर कुछ नज़रियात कुछ तस्व कुछ तस्वूर जो हैं वो गैर इस्लामी दुनिया से आलम इस्लाम में आए यूनानी असरात हैं हिंदू मत के असरात हैं बुद्ध मत के असरात हैं वो दर आए और यूनानी असरात में दो खास तौर पर इस्तेमाल की जाती हैं एक अफलातूनीत अफलातून जो एान सबता की बात करता है अनान की बात करता है और एक नो फलातूूनीत फ़लाती न्यूज़ ने एक फलसफा जो है तो वो उबारा तो अफलातूनी और नो फलातूनीत ये वो अनासर हैं जो आलम इस्लाम में रा पा गए तो ये जो अनासर हैं इकबाल इनकी मुखालफत करते हैं तो सादा लफ्स में अगर बात बयान की जाए तो ऐसा है कि तसवफ़ कोई एक चीज़ नहीं है तसवफ़ की नहायत आला अकदार भी हैं और तसवफ़ की बाज बातें इंतहाई गुमराहन भी हैं इकबाल में इन में तमीज़ किस तरह करते हैं इकबाल इस, इस्लामी तसवफ़ की हमायत करते हैं इस्लामी तसवफ़ जो अखलास फिल अमल का नाम है और बल्कि वो तारीख़ तसवफ़ एक किताब इकबाल ने लिखना शुरू की थी फिर छोड़ दी हुआ यह था इकबाल का पहला शेरी मजमूा असरार हदी जब शाया हुआ तो उसमें अफलातून की मुखालफत की गई थी आफत शराजी के ख़िलाफ़ भी थे अशार और जो दिबाचा था उसका उसमें वैतुलवूद पर कड़ी तनकीद की थी इकबाल ने सूफी हल्के इस तसर में मुबतला हो गए कि इकबाल शायद सूफी तहरीक को ख़त्म करना चाहते हैं तो चनाच वो मुखालफत पर उतरा इकबाल के अच्छे अच्छे कदरदान और दोस्त मुखालफत पर उतर आए ख्वाजा सर नज़ामी अच्छे बल्ले दोस्त थे ये ख्वाजा सर नज़ामी इकबाली का नाम रखा हुआ है अकबर आबादी जिनके ख़ुद इकबाल इरादतमानंद थे अकबर आबादी ने भी इस सिलसिले में कुछ मुखालफ की लेकिन बाद में इकबाल के नुक़ नज़र से वो कुछ कुछ इतफ़ा करने लगे बल्कि वो सालस बन गए और ख्वाजा सर नज़ामी की औरबाल की, और की सोलह कराई तो उस वक्त एक तासर यह पैदा हुआ इकबाल सूफी तहरीक को ख़त्म करना चाहते हैं इकबाल ने वजाहत की एक किताब लिखना शुरू की थी दो बाब उसके लिख लिए थे लेकिन फिर जैसे करा दी अकबर आबादी ने खाजा सर निज़ामी के साथ इकबाल की इकबाल ने बाकी मांदा किताब फिर नहीं लिखी वो दो अफवाब जो हैं उनमें इकबाल न सिर्फ ये इस बात पर ज़ोर देते हैं कि इस्लामी तस्व जो है वो अखलासमल है बल्कि ये भी कहा है कि हार वो तस्व जिसकी शहादत हमें साहबा की ज़िंदगी से नहीं मिलती हम नहीं मानते हैं उसे ठोकरों पर रखते हैं तो तुम्हारा ये नुकतः नज़र है इकबाल का तो मैं आपको बता रहा था कि जो ग़ैर इस्लामी अनासर दाखिल हो गए आलम इस्लाम में तसवफ़ के अतबार से इकबाल उनकी मुखालफत करते हैं और फिर तरक दुनिया और रुबानीत का जो हामिल तसवफ़ है इकबाल उसकी मुखालफत करते हैं जनाब रसालत मबल्ला व्ल्म की एक हदीस है कि रुबानीत से जो फ़ायदा हासिल हो सकता है रुबानियत यही नरकी दुनिया होती है उसमें और सिर्फ आप अल्लाह के हो जाते हैं नहीं वो कहते इस्लाम में रुबानीत जायज़ नहीं है रसूल अक्रमली वम का फ़रमान ये है कि इस्लाम में रुबानियत की जगह जहाद है जहाद आप अपनी जान हथेली पर रख के बादल की कवतों के के खिलाफ नबरंदाजमा होते हैं और अगर आप आ, की मौत वाक़ा जाती है तो ये शहादत दे रहे होते हैं आप अल्लाह की हस्ती की ये शहादत है रुबानीत से कहीं ज़्यादा बड़ी शहादत है ये तो एक बार रुबानियत की मुखालफत करते हैं फ़कीय शहर भी रुबानीत पर है मजबूर के मार्के या शरीत के, के जंग दस्त बदस्त इसलिए इकबाल ने कहा है न कि निकल कर ख़ान का अदा कर रस्म शब्बीरी खानका यत नहीं इस्लाम में नहीं है वो मकसद जो ख़ानकईत का है वो जिहाद से आसल होता है अच्छा फिर जो गैर इस्लामी असलाहत हैं में, इकबाल उनके खिलाफ एहताज करते हैं और इकबाल उनको नहीं मानते गैर इस्लामी असलाहत और सच्ची बात यह है कि ये जितनी बातें भी मैंने की हैं जो इकबाल जिस तसव्फ़ की मुखालफत करते हैं उसकी जो जड़ बुनियाद है वो वैदतुल वजूद का तसवर है और वजूद का तसवर जो है ये इस्लामी अतला नहीं है कहीं पर भी आपको कुरानी हकीम में और हादीस के मजमु में ये तरकीब ये अलाह नहीं मिलेगी तो इकबाल इसके मुखालफ हैं इब्तदा में तो इकबाल की वैद्यलजूद की मुखालफत की वजह से सूफी अलकों ने इकबाल की मुखालफत की किबाल वैदल की मखालफत करते हैं लेकिन हैरान कौन बात यह है कि आगे चल कर बैतलूद के हामियों ने इकबाल को बैतलूदी साबित करना शुरू कर दिया इसकी नुमाया मिसाल इकबाल के एक शारे हैं यूसुफ सलीम चश्ती तो वो एक इसार खुदी की जब शर् लिखते हैं तो भी वो इकबाल को बैतलदी साबित कर रहे होते हैं फिर इसी तरह और लोग भी हैं नकद नकदाल किताब लिखी मैकश अकबर आबादी ने उन्होंने भी इकबाल को वजूदी साबित करने की कोशिश की तो जो वजूद के और इकबाल दोनों के हामी हैं वो इकबाल को भी और इस तरह वजूद के लिए तकवीत हासिल करते हैं फिक्र इकबाल से हालांकि ये बात गलत है इस्लामी नज़रिया क्या है इस्लामी तस्वर क्या है इस्लामी अलाह क्या है इस्लामी अलाह है तोहीद और इकबाल के पूरे फिक्र की अगर आप बुनियाद तलाश करना चाहते हैं आमतौर पर कहा जाता है कि खुदी जो है वो फिक्र इकबाल का मेवर है लेकिन खुदी का मेवर क्या है खुदी का मेवर भी तोहद है और वो जो लाला नज़्म है उसको देखें आप खुदी का सिर नहाँ लाला अला ला। खुदी तेग फ़सा लाला अल्लाह खुदी की तलवार जिस फ़ाँ पर पे तेज़ होती है ना वो तोहद का तस्वर है तो असल इस्लामी तस्वर जो है वो तोहीद का तस्वर है रिसालत का तसवर है आखरत का तस्वर है डॉक्टर साहब आपने लेक्चर के दौरान बताया कि इकबाल जो है वो शरीयत को पसंद करता है तरक्त के मुकाबले में तो मार्फत फरीक़त एक ही चीज़ है तो मार्फत इकबाल की नज़र में क्या चीज़ है हाँ तरीक़त जो है वो जब शरीत के मुकाबले पर होती है तब तो इकबाल से मुस्तरद करते हैं और तरीक़त का अगर आप उन मानों में लें मार्फत के मानों में लें गिब ये नहीं है मार्फत जो है वो तो मतलूब और मकसूद है मारफत किस की अल्लाह की और मारफत किस की खुद अपनी अगर अपनी मारफत हासिल हो जाए तो अल्लाह की मारफत आसान हो जाती है यह तस्वर तो खुद ही में शामिल है ये बात और अगर अल्लाह की मार्फत हासिल हो जाए तो अपनी मार्फत आसान हो जाती है तो मार्फत तो मतलब मार्फत के बग़ैर तो बात ही नहीं बनती है जी आप भी कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं सर मेरा आपसे ये सवाल है आपने लेक्चर के दौरान कहा कि रोह को कुचल देते हैं आलात लेकिन सर आज की दुनिया में टेक्नोलॉजी का इट इज़ एन एयर ऑफ़ टेक्नोलॉजी और इट इज़ द रूल ऑफ मशीन्स हमारे इर्द गिर्द हम देखते हैं मशीन्स ही हैं जिनके ज़रिए हम अपनी ज़िंदगी को चला रहे हैं अगरचे वो सारा निज़ाम कुदरत ने बनाया है लेकिन मशीन्स भी बहुत ही असेंशल हैं इकबाल तो जो है वो किस तरह यानी कि हम आज के दौर में उनका जो ये तस्वुफ़ है उसको हम किस तरह अप्लाई करेंगे मशीन्स के इस दौर में दूसरा ये है कि आज के इस दौर में प्रैक्टिकली जो है अगर एक नौजवान जो तस्व अख्तियार करना चाहे इस दुनिया में रह यानी कि वो जॉब भी करता है उसने और भी कुछ करना है मेटेरियली भी वेल ऑफ करना चाहता है और तस्वुफ़ भी इख्तियार करना चाहता है तो उसके लिए आप कौन से स्टेप्स बताएंगे ए बी सी डी ई e, एफ अगर आप असल में इकबाल के नज़दीक तसवफ़ तो अखलास फिल अमल है नमाज तो पढ़ नहीं आ रही को नमाज अगर आप अल्लाह की तरफ मुतवज होकर पढ़ेंगे तो ये अखलास फिल अमल है इसके लिए अलेदा से, अलेदा से जो तसवफ़ के निज़ाम हैं इकबाल तो उनको मानते नहीं हैं रह गई ये बात के आ, मशीनों का दौर है ये दोहरी मशीनों का है बात यह है कि ये कायनात इंसान के लिए पैदा की गई है कायनत के लिए इंसान पैदा नहीं किया गया इस कायनत में अफज़ल तरीन मखलूक जो है तो वह इंसान है इंसान से बला तर कोई हस्ती नहीं है इंसान से बला तर सिर्फ़ अल्लाह की हस्ती है और इसी वजह से इंसान अगर अपना नसल बनाता है तो अल्ला ही को बनाएगा कि इंसान से बाला तर है ही अल्लाह ताली और तो कायनात में कोई चीज़ नहीं है अभी मैंने गुजारिश की थी कि ये मशीनें जो हैं और टेक्नोलॉजी की जितनी भी मुख्तलिफ़ शक्लें हैं उनको अपने ऊपर इंसानियत के ऊपर सवार नहीं होने देना उनके ऊपर सवारी करनी है ये तो किसी मकसद को हासिल करने के हैं बजाय खुद बजाय खुद मिलें और फैक्ट्रियाँ और आवाई जहाज़ और ये सारी चीज़ें बजाय ख़ुद तो कोई मतलूब नहीं है ये तो असल मकासद को हासिल करने के लिए आप इनसे काम लें इनसे गलत काम भी लिए जा सकते हैं इनसे सही काम भी लिए जा सकते इनसे सही काम लें और इंसानियत के मकासद जाएं। तो वो हासिल करें साइंसी तरक्की के एक बार मुखालफ नहीं हैं सांस साइंसी तरक्की तो खुद मुसलमान जो हैं तो साइंसी तरक्की मुसलमानों के मरून मन्नत है उसके मुखालफ नहीं है लेकिन इस बात के मुखालिफ़ हैं कि आप साइंसी को मतलूब मखसूद समझने लग पड़े और इंसानियत की अली अखदार को नज़रअाज़ कर दें ये जितनी भी सनतें हैं इन्हें इंसानों की जो इंसानियत की जो आला अकदार हैं उनके नीचे रहना चाहिए मिसाल के तौर पर एक ज़माने में बहुत इस्तेसाल किया सरमादारों ने मज़दूरों का अब भी करते हैं जागीरदार तो अब भी किसानों का इस्तेसाल कर रहे हैं तो ये इसिसाल की जितनी शक्लें हैं ये खिलाफ़ इस्लाम इस्लाम के मनाफी हैं इसिसाल की हर शक्ल ख़त्म होना चाहिए और अगर मशीनों की हुकूमत इंसानों पर कायम होती है तो ये बात जो है तो ये फिक्र इकबाल के मुनाफिया ये बात इस्लाम के मुनाफिया अच्छे सवाल आता आपने पूछे और आज का जो मौजू है सवालों जवाबों की वजह से और उसकी वजाहत हुई है आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया